बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। सो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेयर स्टाइल्स की डिज़ाइन, साथ में फ्लावर्स ज्वेलरी, कुछ जो हम अपने हेयर एक्सेसरीज होती हैं उसके साथ। इसमें ज़्यादातर जो हैं बाल खुले हुए हैं, इसमें जुड़े वाले स्टाइल कम हैं, चुटिया के साथ ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा आजकल इस तरह के हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि इसी तरह के जिस तरह की ब्रेड्स या चुटिया बनी हुई है या पीछे से कर्ल बाल हैं, तो इस तरह की विग्स भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप लोग ईज़िली वो लेकर भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर आप को इनमें से ही कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है, तो इसी तरह मिलता जुलता आप कोई भी फ्लावर्स या पिने या स्टोन्स वाली, आप लोग कोई भी जुड़ा पिन्स होती हैं, या इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं बालों में लगने के लिए, जैसे कि बीड्स वगैरह होते हैं, और ये फ्लावर्स के साथ भी हैं, बीड्स के साथ भी हैं, हर तरह की जो है डिफरेंट चीज़ों के साथ बनी हुई आई भी हैं। आप अपने हेयर स्टाइल बनवाएं, और अगर आपने विग लगवाई है तो विग के साथ भी आप उन चीज़ों को अपने बालों में लगा सकते हैं। अच्छा, अब जब आप एक्सटेंशन या अपने विग्स वगैरह लेने जाएं मार्केट में, तो आप ये नोट कीजिएगा कि उसमें हर तरह के कलर्स भी हैं। ज़ाहिर है अब जब हमारे बालों का कलर ब्राउन है, तो आप अपने कलर जो बालों का ब्राउन वैसा कलर लें। अगर आपका लाइट स्किन कलर है, ब्लैकिश कलर है, डार्क ब्लैक है, तो अपने बालों का कलर का हिसाब ज़रूर रखिएगा, ताकि जब आप एक्सटेंशन वगैरह लगाएं तो वो बिल्कुल चेंज ना लगे। इसमें से डिज़ाइन देखते जाएं, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत हैं, और आप अपने किसी भी ड्रेस के साथ जो आपने अपना पीछे का जो भी हेयर स्टाइल बनाना हो, जुड़ा करना हो, चुटिया के साथ करना हो, तो इस तरह से आप उसको हेयर स्टाइल को मैनेज करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो साथ में एक बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और आप लोग देखते रहें। इसके अलावा व्यूअर्स, आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आऊँ। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं एक और नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, आपकी पसंद से ही होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग।